हेलो गाइस, वेलकम टू कुहू व्लॉग्स। तो आज है तीज, लेकिन कुहू को जाना है स्कूल। तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी तीज। तो मैंने बनाए कुहू के लिए आलू के पराठे, जो कि मैंने उसे ब्रेकफास्ट कराया और एक लंच में पैक किया और थोड़े से मखाने पैक किए, क्योंकि आज फ्रूट नहीं था मेरे पास। या मैंने कुहू का दूध प्रिपेयर किया गुड़ डाल के, फिर कुहू को पिलाया, कुहू चली गई स्कूल। मैंने उसे टाटा बाय बाय किया। फिर मैंने बनाया प्रियेश के टिफिन, आलू के पराठे पैक किए, वो ऑफिस चले गए। फिर मैं रेडी हुई, नहा धो के फिर मैंने लगाई नेल पेंट। यहाँ मेरा मुंह बहुत दर्द कर रहा है पिंपल की वजह से। यहाँ कुहू वापस आ गई है। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया था, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो कुहू और मैं थोड़ी देर बाहर ही बैठे। फिर कुहू ने डांस भी करना स्टार्ट कर दिया, बारिश से बहुत पसंद है। फिर बस सो गई। तो मैं सोचा सोई है तो जल्दी से आलता लगा लिया जाए। ये आलता मुझे मेरी बुआ जी ने दिया है, जो कि बंगाल में रहती हैं, कोलकाता में। बहुत ही अच्छा है ये आलता, बहुत रेड है। और यहाँ मैं मेकअप ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ आलता लगाने के लिए, जो कि मैं फेस पे यूज़ नहीं करती। और ये बहुत पोकी है, इसलिए नहीं यूज़ करती। अमेज़न से लिया था, वेस्ट हो गए मेरे पैसे। यहाँ आलता मैंने लगा लिया दोस्तों। फिर मैं अपनी पायल पहन रही हूँ, जो कि ये भी मेरी बुआ ने दी है। बहुत ही प्यारी सी पायल है, मेरे व्रत के लिए उन्होंने मुझे दी है। यहाँ मैं बिछिया भी पहनूंगी, जो मैंने मार्केट से ली थी। बहुत सारी बिछिया थी वहाँ पर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बिछिया मैंने कभी पहनी ही नहीं है। कौन सी पहनी, कौन सी अच्छी लगी, मैंने कभी बहुत प्यारी वाली कलर की बिछ लगे थे, लंगनक लगे थे, तो मैंने वही ली और वही मैंने पहनी। यहाँ मेरे पैर बड़े अजीब से लग रहे हैं मुझे, क्यों? यहाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैंने पहली बार खुद से आलता लगाया है। कुहू उठ गई तो मैंने उसके लिए स्नैक्स बनाए, जो कि आलू और सूजी के थे। आलू मैंने उबाल के ये स्नैक्स बनाए हैं। फिर कुहू को मैंने खिलाया। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ कुहू को पसंद आ रहे हैं, सॉस से खाती है स्नैक्स को। यहाँ टाइम हो गया है पूजा का, तो मैं जल्दी से जाऊँगी नहा के। निकलना है दोस्तों मुझे पूजा के लिए। तो यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया है। जॉनसन बेबी का मॉइस्चराइज़र लगाया है, बहुत अच्छा होता है ये। और ये था भी मेरे पास यही, इसलिए मैंने यही लगा लिया। अब मैं लगाऊंगी प्राइमर स्विस ब्यूटी का। ये ल्यूमिनस प्राइमर है, ग्लोई ग्लोई सा चेहरा लगता है इसे लगाने के बाद। और ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए तो बहुत बेस्ट है, बढ़िया है। उसके बाद मैंने लगाया फाउंडेशन, फिटमी का फाउंडेशन लगा रही हूँ। यहाँ मैं दो शेड्स को मिक्स करके लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो शेड है पैक का वो तो मिल ही नहीं रहा है कहीं पर, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, तो मैंने सच में देखा नहीं। ऑनलाइन नहीं मिल रहा है मुझे 2.7, पता नहीं क्यों ही गायब है ऑनलाइन, काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा है। यहाँ मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, पैक का मेकअप ब्लेंडिंग ब्रश है, मेकअप फाउंडेशन ब्रश है, ये बहुत अच्छा है। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और बहुत सही चल जाता है ये, काफ़ी टाइम हो गया है खरीदे हुए। यहाँ फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है, फिर तो मैं आई फिल कर रही हूँ, आईब्रो फिल कर रही हूँ अपनी। और ये हिलेरी रोडी का आईब्रो किट है, डार्क ब्राउन शेड है, जिसे मैं अपने आईब्रोज फिल कर रही हूँ। ब्रश तो है ही नहीं मेरे पास, आई ब्रशेस है ही नहीं, इसलिए जो है मैं उसी से कर रही हूँ। यहाँ मैंने मेकअप सेटिंग पाउडर से अपना मेकअप सेट कर लिया है। यहाँ मैं थोड़ा बहुत आई मेकअप भी करूँगी, क्योंकि आईज पे थोड़ा सा मेकअप तो बनता है ना। यहाँ ब्रश से हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए मैं उंगलियों से ही ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूँ। बहुत सही हो जाता है, उंगलियों से ही हो जाता है अच्छा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ऑरेंज शेड लेके मिक्स करके अपनी आईज़ पे हल्का सा मेकअप कर लिया है, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, बस मंदिर जाके वापस आ जाना है। तो हल्का हल्का ही मेकअप रखूँगी। यहाँ को परेशान है, वो भी लगाना चाहती है, और उसने लगा भी लिया अपनी आईज़ पे शिमर, और इसके लिए उसने डांट भी खाई मुझसे। आईज में लगा लिया और देखा देखी करते हैं ना बच्चे कि मम्मा कर रही है तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी करती हूँ। यहाँ मैंने अपनी आईज वो लगा लिया है लाइनर। या लाइनर भी बहुत सही है, बहुत ईजिली लग जाता है। पेन लाइनर पर सही होते हैं, ब्रश वाले से मुझे थोड़ी दिक्कत होती है लगाने में। इससे बहुत ईजिली लग जाता है लाइनर, बहुत ही डार्क है, बहुत ही अच्छा भी है ये। ये मैंने कब्स एंड लैशेज से लिया था, मुझे इसका नाम नहीं पता है, याद भी नहीं आ रहा मुझे नाम क्या है इसका। यहाँ मैं के ब्यूटी का काजल यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है काजल, मेरा फेवरेट काजल है ये। काजल तो मैं चेंज करती रहती हूँ, काजल लगाना बहुत पसंद है।
लेकिन सिर्फ मेकअप करते वक्त ऐसे नहीं, यहाँ मैं मस्कारा लगा रही हूँ, मेबलिन का मस्कारा है ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है जिसे फॉल्स लैशेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ जो कलर मैंने आईब्रो अपने आई मेकअप में किया है वही मैं आईज़ के नीचे भी हल्का हल्का लगा रही हूँ। यहाँ मैंने हाइलाइटर लगा लिया, मेबलिन का मास्टर ग्रूम हाइलाइटर है ये, और थोड़ा सा ब्लश लगा रही हूँ जो कि स्विस ब्यूटी का है, पिंकी पिंकी से अपने गाल कर रही हूँ थोड़े से। कॉन्टोरिंग मैंने की नहीं क्योंकि मेरे पास कॉन्टोर था ही नहीं। यहाँ मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, मेबलिन की सुपर स्टे लिक्विड लिपस्टिक। ये मुझे प्रॉपर रेड नहीं लग रहा है तो इसलिए मैं फिर दोबारा से स्कारलेट ओहारा लगाऊंगी शुगर की इसके ऊपर, तो मेरे को प्रॉपर रेड मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा कलर है स्कारलेट ओहारा शुगर का, जो कि मेरी बहन सिमरन ने मुझे गिफ्ट दिया है। यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और कू भी आ रही है फ्रेम में, परेशान है कि मम्मा कब से लगी हुई है मेकअप करने में। यहाँ मैं फाइनल रेडी हो गई हूँ, मेकअप तो मेरा ठीक ठाक हो गया है, अच्छा भी लग रहा है। और अब मैं जाऊँगी अपनी पूजा की थाली तैयार करने, तो यहाँ मैं अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली दोस्तों। और यहाँ मंदिर पहुँच गए हम लोग, बहुत ही लंबी लाइन थी पर यहाँ हमारा नंबर आ गया है, हमने भी पूजा कर ली। यहाँ कृष्ण जी और राधा जी को बहुत ही सुंदर सजाया गया था, बहुत प्यारे लग रहे थे, मन कर रहा था बस देखते रहो खड़े होके इनको। यहाँ हम मंदिर से वापस आ गए हैं और फिर मैं बहुत थक चुकी थी, फिर मैंने फेस वॉश किया जल्दी से, खाना बनाया और फिर कुछ पकौड़ी दोपहर में बनाई थी उसका बैटर बना था, तो मैंने कहा वो भी ट्राई कर दिया जाए। यहाँ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है स्नैक से, मेरा मन डगमगा रहा है, यहाँ पिंपल से मेरा मुँह भी दर्द कर रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर मैंने जल्दी से फ्राई करके स्नैक्स दिए दोनों को, प्रियेश और कुहू को, और फिर मैं सो गई, बहुत नींद आ रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।